मध्य प्रदेश के सिंगरौली से एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां बच्ची का इलाज करवाने आई एक 30 वर्षीय महिला के साथ एम्बुलेंस चालक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पूरा मामला चितरंगी थाना क्षेत्र इलाके का है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। एक माँ को अपनी बच्ची का प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना बहुत महंगा पड़ा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चितरंगी थाना क्षेत्र के बाजार में संचालित प्राइवेट अस्पताल साईं नारायण में इलाजरत बच्ची की माँ को देर रात एम्बुलेंस चालक ने अपनी हवस का शिकार बनाया। दुष्कर्म करने के बाद आरोपी एम्बुलेंस चालक मौके से फरार हो गया। सुबह होते ही पीड़ित महिला चितरंगी थाने में न्याय की गुहार लगाने पहुंची। पुलिस ने महिला का मेडिकल करवा कर आरोपी के खिलाफ 376 का मामला पंजीबद्ध करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है। आरोपी की गिरफ्तारी फिलहाल नहीं है, पर उसके बारे में जो भी सूचना लग गई है जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। अस्पताल के परिसर में ऐसी वारदात होना डेफिनेटली चिंता का विषय है। बाकी अस्पताल में क्या सिक्योरिटी की गाइडलाइन है, क्या इन्होंने किया, उस संबंध में अभी जांच ही चल रही है, विवेचना में है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।